पाठ ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपो का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोनी में चाय मथवा कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डाणा थौलना पार करना था। डाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालता है, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण वहां लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से नाम मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थौलना के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीप निकाल कुची कुची अर्थात दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाणे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली।
उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दौन की वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकौर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने दो टोकरी कंडे फूं डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वे ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहां भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुकपा मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। मैं अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लांदी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था।
इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए।